गुलाबी गोज आ चुके वापस एक और रिव्यू वीडियो लेके गेम खेलने के एक महीने बाद। तो एक महीने पहले मैंने अपने लाइव स्ट्रीम पे एक गेम खेला था जिसका नाम था स्टिल ब्रेक्स द डीप, जो 18 जून इसी साल 2024 में रिलीज हुआ था और वो एक सर्वाइवल हॉरर जॉनर का एक गेम है जो मैं कहूंगा वन टाइम प्ले ही है क्योंकि मैंने वो गेम खेला अपने लाइव स्ट्रीम में। तो ये गेम पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो अब रिव्यू की बात करें तो गेम मुझे अच्छा लगा। तो गेम में हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है कैमरन मैकलेरी, एक कैस, जिसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही होती है। कैस पहले से शादीशुदा है, उसके दो बच्चे, उनको और अपने घर को बचाने के लिए वो ऑयल रिग पे काम को जाता है, मतलब सबसे दूर समंदर पे भाई, तो जिससे वो कार्रवाई से बच पाए। तो ऑयल रिग पे वो काम पे लगता है उसका दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड रॉय की मदद से, जो उस ऑयल रिग पे एक कुक का काम कर रहा होता है, किसी के रेफरेंस से तुम्हें जॉब मिल ही जाती है, मतलब किसी को जाता भी ना हो। रिलेटेबल लगा मुझे, पता नहीं क्यों, मतलब हाँ हो चुकी मेरे साथ ये चीज। गेम की पूरी कहानी गेम के प्रोटैगनिस्ट कैस और जो ऑयल रिग है उसके अराउंड इवॉल्व करती है। गेम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैस के बॉस रेनी को पता चल जाता है कि कैस पे कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो उसकी वजह से वो उसे उस जॉब से उसी वक्त निकाल लेता है एंड उसे मेन लाइन पे भेजने के लिए क्रिस के हेलीकॉप्टर बुलाता है। पर उसी वक्त कुछ अनहोनी हो जाती है, ड्रिल जो होते हैं जो समुद्र में खोद के ऑयल निकालते हैं उसमें कुछ अनहोनी हो जाती है, पूरा ऑयल रिग हिल जाता है और जिससे जैसे तैसे बच जाता है हमारा कैरेक्टर कैस। उसके बाद ही पूरा असली गेम शुरू होता है। ऑयल रिग हिल जाने के बाद हमारा कैस होश में आता है, अपनी जान बचाने के बाद उसका बस एक ही मोटो होता है कि उसे ऑयल रिग से भागना है, कैसे भी जान बचानी है और अपने घर पे जाना है, बीवी बच्चे से मिलना है, मतलब वही सबसे दूर निकल जाना है उसे। तो पूरा गेम यही है, प्लॉट मैंने आपको समझा दिया सीधा सीधा। अब बात करें अगर एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट काफी बेहतरीन था गेम का। जैसे मैंने कहा पहले बताया कि ग्राफिक्स काफी अच्छे थे एंड जो मॉडल्स थे ऑयल रिग काफी डिटेल्ड मॉडल था और काफी सारी चीजें थी, काफी ज्यादा अच्छे से मॉडल की गई थी। बट एक चीज उसमें मुझे कम लगी, एक्सप्लोर नहीं कर सकते, मतलब पूरा गेम ऑयल रिग पे बेस्ड है। अगर ऑयल रिग हम लोग एक्सप्लोर कर पाए तो काफी ज्यादा मजा आता, ऐसा मुझे लगता है। सेकेंड थिंग थी कि गेम के जो पजल्स है उन्हें काफी ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता था, पजल्स काफी ज्यादा सिंपल थे, थोड़ा और थ्रिलिंग किया जाता चीजों को तो और काफी ज्यादा मजा आता, गेम का गेम और ज्यादा फन होता। जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे लगी इसमें वो था बैकग्राउंड स्कोर, गेम का बैकग्राउंड स्कोर और जो वॉइस एक्टिंग थी वो काफी ज्यादा बेहतर थी। मैं कहूंगा कि जो कैरेक्टर्स और गेम प्ले में जान डाली वो इन दोनों चीजों ने डाली। तुम ओवरऑल अगर बैकग्राउंड स्कोर देखोगे गेम का, गेम को इंटेंस करना, कैरेक्टर में जान डालना, ये सारी दोनों का काम था। वो चीजें पिक पे थी, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे उन चीजों ने क्या बोलते मामला इंटेंस कर दिया। ओवरऑल बात करें तो गेम वन टाइम प्ले है जैसे मैंने पहले भी कहा था और 4 घंटे में तुम लोग आराम से ये गेम खत्म कर पाओगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं गेम। अब मुझे याद नहीं कितने जीबी का है बट ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो ये रिव्यू वीडियो खत्म करते, आई नो ज्यादा कुछ नहीं था, ये बस छोटा सा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था एज ए रिव्यूअर गेम का कि गेम में ये चीजें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। एंड इसी के साथ मैं इस रिव्यू वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते। अगर तुम लोगों को गेमिंग कंटेंट देखना पसंद हो तो मैं काफी ज्यादा गेम प्ले वीडियो डालता रहता हूँ। हम लोग हर तरह के गेम्स खेलते हैं, हर जॉनर्स के गेम खेलते हैं और हर स्टाइल्स के गेम खेलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर देना एंड मुझे माफ कर देना रिव्यू वीडियो को मैं वक्त ही लगा देते हैं, मैक्स पेन को तो मैंने 3 महीने लगा देते हैं, मतलब उसके रिव्यू को। एंड बीच में से हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तुम लोग भी मेरे साथ खेल सकते हो क्योंकि अकेला खेलता हूँ यार। तो मैं तुमसे मिलूंगा किसी और अच्छे गेम के साथ या फिर किसी और रिव्यू वीडियो में या फिर कुछ और करते हुए। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय। मेरे भाई मैंने कितना किया है सबर, ना मिली मंजिल ना मिला रास्ता, फिर भी ना होने दिया है असर, कला पे मिल मेहनत रखी मैंने, ये दुनिया है आंखों में सर। Let's go. मुझसे पूछ मेरे भाई मैंने कितना किया है सबर, ना मिली मंजिल ना मिला रास्ता, फिर भी ना होने दिया है असर, कला पे मेरी मेहनत रखी मैंने जानी, दुनिया है आंखों में सारी, मौसम बदलते देखे बहुत और जिंदगी जीना सिखा रही।